आज इस प्लेटफॉर्म पे RO ARO की स्ट्रेटजी की बात की जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है, न्यूज़ में अभी ये है कि नवंबर या दिसंबर माह के बीच में आपका RO प्री है। अभी जून स्टार्ट हो गया है तो 5 से 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं। कितना? 5 से 6 महीने प्री के लिए। हम बात करेंगे RO ARO स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले क्या आता है? प्री GS कितने मार्क्स का आता है? 140। और हिंदी आता है 60 नंबर का। टोटल कितना होता है? 200 मार्क्स का। अब यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। 2021 में 122 गई थी प्री की कट ऑफ। जैसा कि इस बार 10 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है तो इस बार कंपटीशन अच्छे लेवल पे है, तो हम मान के चलते हैं कि हमें 130 से प्लस लाना चाहिए। और सीप कट ऑफ की बात करें 200 में से, तो GS में हमें 80 से 85 नंबर और हिंदी में ईजिली 55 से 60 नंबर लाया जा सकता है। टोटल कितने हो गए? 135 से 140 के बीच में। अगर आप इतना सही कर देते हैं GS में 80 से 85 और हिंदी में 55 से 60, तो आपके टोटल 135 से 40 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 200। तो यहाँ पे आप आराम से प्री कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब मेंस पे आते हैं। मेंस होता है 400 नंबर का। अब प्री के साथ में आपका GS के साथ में ही आपका 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है मेंस में। और हिंदी में पर्यायवाची निकाल दो, जो 6 से 7 टॉपिक है उसमें से पर्यायवाची अगर निकाल दो तो 60 नंबर की हिंदी आती है। तो टोटल हो गए 180। मतलब प्री के साथ में ही आपके 180 मार्क्स की तैयारी मेंस की भी हो जाएगी। किसकी? GS 120 और हिंदी 60 नंबर। यहाँ पे प्री के साथ में आपका 180 नंबर तैयार होगा। मेंस 180 नंबर कॉमन विद प्री, मतलब प्री के साथ ही आप 180 मार्क्स का मेंस भी तैयार करेंगे। अब मेंस में कितना नंबर बचता है? 200 नंबर, ठीक है। अब मेंस में आपके बचे 220 नंबर। अब हम सबसे पहले 2021 में मेंस की कट ऑफ बात कर लेते हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था मैक्सिमम नंबर पे जनरल की कट ऑफ। तो 2021 में जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 272 मैक्सिमम गई थी और 258 मिनिमम। मतलब हमें 258 प्लस लाना था, जिनका आया था 258 उनका सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम 272 नंबर गया हुआ, ठीक है। तो हमें कितना लाना है? 258 से 272 के बीच में हमें मेंस में नंबर लाने हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए मेंस कितने मार्क्स का था? 400 मार्क्स का। प्री के साथ ही आपने 180 नंबर की तैयारी की। 180 में क्या था? 120 नंबर आपका GS का था और 60 नंबर हिंदी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे 120 में से ईजिली आप 70 से 75 नंबर ला सकते हैं GS में और हिंदी में 55 से 60। तो आपके टोटल 180 में मार्क्स में 125 से 135 मार्क्स आ जाएंगे GS और हिंदी। ये है GS प्लस हिंदी मेंस में ऑब्जेक्टिव। कितने आ गए आपके? 125 से 135। अब यहाँ पे 180 हो गया। अब 400 में से 180 हो गया, बचे कितने? 220 मार्क्स अभी बचे हैं हमारे। तो इसमें से जनरल हिंदी 100 मार्क्स का जनरल हिंदी आता है और 120 का आप लोग पता है निबंध आता है एसे। इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम? तो ये 100 मार्क्स का हिंदी है, इसको हम डिवाइड करते हैं 60 प्लस 40,
इसको ब्रेक करते हैं। तो पार्ट वन, पार्ट वन में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें आपको शीर्षक के 3 अंक, सारांश लिखना रहता है 6 अंक, और रेखांकित पाठ का को की व्याख्या करनी रहती है, तो 12 अंक, टोटल 21 मार्क्स का गद्यांश हो गया आपका। फिर उसके बाद पार्ट टू में आता है सारणी रूप, लेटर दिया होता है उसको सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, जो होता है 15 मार्क्स का। पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में पत्राचार लेटर होता है जिसमें 8 से लगभग 8 लेटर होते हैं, पूछा जाता है 3, वो होता है 24 मार्क्स का। अब 60 में, अब ये टोटल 60 है, कितना है 60 मार्क्स यहाँ। अब इसी में बचता है 40 मार्क्स, 40 मार्क्स में प्रशासनिक शब्दावलियाँ इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये 10 मार्क्स के। मुहावरा आता है आपका 10 नंबर का, कंप्यूटर ज्ञान आता है 10 नंबर, ये हो गया 40। तो यहाँ पे आपने देखा 60। अब यहाँ पे आप कितना भी शीर्षक सारांश रेखांकित सारणी रूप पत्राचार आप कितना भी करेंगे, ये ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे 60 में आप 40 प्लस ला सकते हैं 60 में। लेकिन यहाँ पे देखो, इंग्लिश से हिंदी करना है वर्ड को, अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली अभी से तो आपके 10 में 10 आ सकते हैं, ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश में 10 में 10। और मुहावरा भी PYQ 5 आता है, ये भी आप विद अर्थ प्रयोग 10 में 10 यहाँ पे ला सकते हैं आराम से। और कंप्यूटर ज्ञान ये भी टेक्निकल है, तो टेक्निकल आप 10 नंबर ला सकते हैं। तो ये जो 40 नंबर है ये ज़्यादा टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब है कि ये ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं, आपको आता है तो आपको सीधे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे 40 में। इसमें आप 30 प्लस ला सकते हो बहुत ईजी, लेकिन यहाँ पे आप 60 में से 40 ला सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 का था, आपने 70 से 80 के बीच में मार्क्स यहाँ पे लाना है, कितना 70 से 80 के बीच में 100 में से आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब पार्ट फाइव, निबंध हमने ऊपर देखा था 120 मार्क्स का आता है, 3 निबंध होता है, पर निबंध 40 मार्क्स का होता है, तो 40 में से 25 आराम से लाया जा सकता है, तो 25 × 3 लगभग 75 यहाँ से आ सकते हैं, 75 प्लस। तो अब ओवरऑल बात करें, ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं 400 मेंस प्री के साथ में आप GS हिंदी कितने 180 नंबर प्री के साथ में ही, अभी से ही पढ़ना शुरू करेंगे, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप 125 से 135 मार्क्स ला सकते हैं। फिर जनरल हिंदी जो अभी हमने 60 और 100 मार्क्स का है, जिसमें 60 प्लस 40 हमने अभी देखा था ऊपर, उसमें आप 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। लास्ट में बचता है एस से में आप 75 से 80 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 120। तो इस प्रकार आप 400 में से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप 270 से 295 नंबर, कितना 270 से 295 नंबर आराम से ला सकते हैं। कट ऑफ कितनी गई है 258 से 272। इस प्रकार इतना नंबर ला देंगे मेंस में तो फाइनली आप सचिवालय पहुंच जाएंगे। थैंक यू।